नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला आप जानते हैं कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस में सिद्ध किया जाता है, तो आपके लिए मैं लेकर आया हूं अवतल लेंस में कैसे सिद्ध करेंगे। तो आपको हम बता दें कि ये भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये भी एक हमारा अवतल लेंस है और ओ पी जो है, ये लाइन जो है हमारा प्रधान अक्ष है, और पी क्यू ये हमारा वस्तु है जिसका प्रतिबिंब पी डैश क्यू डैश बना हुआ है, और ये फोन क्या है, फोकस है। आप देख सकते हैं यहाँ वस्तु रखे हैं तो हम कह सकते हैं ये जो है ये हमारा वस्तु की दूरी हो जाएगा, और वस्तु की दूरी को हम यू से सूचित करते हैं, तो ये हमारा यू हो जाएगा। उसके बाद आपको बता दें फोकस दूरी को हम एफ से सूचित करते हैं, तो ये आपका फोकस हो जाएगा, और ये प्रतिबिंब की दूरी है तो प्रतिबिंब की दूरी को हम भी से सूचित करते हैं, तो ये हमारा प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा। आपका ये भी क्या है, माना कि ए बी एक अवतल अवतल लेंस है, अवतल लेंस है, ओ पी प्रधान अक्ष है जिस पर पी क्यू वस्तु जिसका प्रतिबिंब जिसका जिसका प्रतिबिंब पी डैश क्यू डैश है। देख रहे हैं यहाँ पे पी क्यू क्या है, वस्तु है जिसका प्रतिबिंब पी डैश क्यू डैश है। चित्र में आप देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं ओ पी डैश क्यू डैश एक त्रिभुज है, त्रिभुज ओ पी डैश क्यू डैश तथा ओ पी क्यू, त्रिभुज ओ पी क्यू देख रहे हैं आप पे क्या है, ओ पी क्यू एक त्रिभुज है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, ये भी आपका जो त्रिभुज है इसके लिए भी यही कोण है, और ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है इसके लिए भी आपको यही कोण है, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए पी डैश ओ क्यू डैश कोण पी डैश ओ क्यू डैश बराबर कोण पी ओ क्यू। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, मतलब कि ये वाला एक त्रिभुज है आपका, ये आपका त्रिभुज हो गया जो ओ पी डैश क्यू डैश है, और दूसरा आपका त्रिभुज इस तरह से है इसी लाइन पे जो पी और क्यू है, जिसके लिए दोनों के लिए ये कोण है ओ वाला। तो इस तरह से जब होता है ऐसे कंडीशन में तो इसको हम बोलते हैं कि उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण से ये क्या कहलाता है आपको, उभयनिष्ठ कोण कहलाता है। ये आप समझ गए। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है हमारा त्रिभुज, त्रिभुज ओ पी डैश क्यू डैश बराबर त्रिभुज ओ पी क्यू क्या है, एक समरूप है, त्रिभुज ओ पी डैश क्यू डैश बराबर त्रिभुज ओ पी क्यू एक समरूप है। जब ये हमारा समरूप है तो देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, पी डैश क्यू डैश पी क्यू
ओ, जब ये हमारा समरूप है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं पी डैश क्यू डैश बटा पी डैश क्यू डैश लिए हैं तो यहाँ क्या लेंगे हम पी क्यू बराबर ओ पी डैश ओ पी डैश बटा ओ पी। समीकरण क्या हो जाएगा ये समीकरण हमारा एक हो गया। ठीक इसी तरह से इसी प्रकार इसी प्रकार देखिए यहाँ पे एक और त्रिभुज आपका बन रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर ये त्रिभुज आप ध्यान दीजिएगा F1 ये आपका हो गया फिर इस तरह से आपको आगे बढ़ा हुआ है ये आपको M है O है और ये P डैश और ये Q डैश यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसी के जैसे इसी प्रकार कहने का मतलब कि इसी के जैसे तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज ओ पी डैश क्यू डैश लिखे हैं तो इसमें हमको क्या लिखना होगा देखिए F1 पी डैश क्यू डैश बराबर त्रिभुज F1 OM एक समरूप है ये आपका हो गया। ठीक इसी तरह से इसमें भी आपको लिखना है यहाँ पे लिखे हैं पी डैश क्यू डैश उसमें भी हम लेंगे पी डैश क्यू डैश बटा OM बराबर F1 P1 बटा F1 O हो गया ये आपका हो गया समीकरण दो। अब आपको लिखना क्या है समीकरण एक और दो से तो यहाँ पर ध्यान देंगे एक और दो से आपको देखिए क्या करना है समीकरण एक और दो से यहाँ आप देख रहे हैं पी डैश क्यू डैश है और पी क्यू है यहाँ पे नहीं है। आप एक लाइन यहाँ पर ध्यान देंगे जहाँ आपका ओ एम है ओ एम यहाँ पर ध्यान दीजिए आपका ये है ओ और एम और इधर देखिए ये लाइन में इसमें यहाँ पे क्या है आपका पी और क्यू। आप देख रहे हैं कि आमने सामने की भुजा इसमें देखिए ये एक आयत है तो आमने सामने की भुजा क्या होता है बराबर होता है तो आप यहाँ पी क्यू के जगह पे ओ एम लिख सकते हैं यानी कि ओ एम बराबर आप लिख सकते हैं पी क्यू ओ एम बराबर पी क्यू। तो यहाँ आपका जो ओ एम है इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं पी क्यू लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ जब हम पी क्यू लिखेंगे तो समीकरण एक और दो में हम देखेंगे एल एच एस दोनों क्या हो जाएगा पी क्यू है यहाँ भी पी क्यू लिखेंगे तो समीकरण एक और दो हमारा क्या होगा बराबर हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा एल एच एस वाला। तो जब एल एच एस बराबर हो जाएगा तो हमारा आर एच एस क्या होगा बराबर होगा तो हो जाएगा ओ पी डैश बटा ओ पी बराबर इधर क्या है आपका F1 P1 P डैश होगा सॉरी आपका यहाँ पे बटा F1 O ये आपका हो गया समीकरण तीन। अब आगे ध्यान देंगे अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका जो मान दिया हुआ है OP क्या है वस्तु की दूरी OP बराबर U। एक चीज़ ध्यान देंगे ये आपका अवतल लेंस है अवतल लेंस में सभी आप देख रहे हैं कि दाएं तरफ और बाएं तरफ यानी कि सब्जी जो है वो आपको बाएं तरफ है तो सब क्या होगा निगेटिव होगा ऐसे भी काल्पनिक होता है इसमें तो निगेटिव होता है तो OP का मान U। उसके बाद आपको क्या है प्रतिबिंब की दूरी तो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा आपका प्रतिबिंब की दूरी तो यहाँ देखेंगे प्रतिबिंब की दूरी क्या है OP- बराबर माइनस भी उसके बाद है फोकस दूरी क्या है आपका OF1 बराबर F माइनस में ही होगा तो ये आपका हो गया फोकस दूरी।
ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर समीकरण तीन में आपको मान रखना है। तो यहाँ पर देखिए ओ पी डैश बटा ओ पी है बराबर और क्या है एफ वन पी डैश है। तो एफ वन पी डैश है तो एफ वन पी डैश के मान आपको पता नहीं है, तो यहाँ पर आप समझेंगे ये मान लीजिए ओ है और ये आपका पी डैश है, ठीक है, और ये आपका एफ वन है, ये आपका एफ वन है। तो आपको निकालना क्या है एफ वन पी डैश का मान, ये वाला आप इसको लिख सकते हैं, इस लाइन को पूरा ओ एफ वन माइनस ये वाला लिख सकते हैं आप इसमें एफ वन पी डैश, यानी कि पूरा लाइन में से इसको आप घटा देते हैं, पूरा लाइन में से अगर आप, आपको क्या निकालना है एफ वन पी डैश, तो पूरा लाइन में से आप इसको निकाल दीजिए, इस वाला को अगर आप निकाल देते हैं ओ पी डैश तो आपका निकल जाएगा एफ वन पी डैश। तो आप ध्यान देंगे एफ वन पी डैश के जगह पे एफ वन पी डैश इसके जगह पे आप लिख सकते हैं ओ एफ वन माइनस ओ पी डैश और नीचे क्या है एफ वन ओ एफ वन ओ। अब आपको क्या करना है सिर्फ इसमें मान रखना है, मान रखिए इसमें आप ओ पी डैश ओ पी ओ पी डैश क्या है माइनस भी, तो माइनस भी हो गया ओ पी, ओ पी का मान क्या है माइनस यू बराबर ओ एफ वन ओ एफ वन, तो ओ एफ वन के मान है माइनस एफ माइनस ओ पी डैश, ओ पी डैश क्या है माइनस भी, तो यहाँ ब्रैकेट में करके लिखेंगे क्योंकि माइनस है, माइनस भी एफ वन ओ यानी कि ओ एफ वन एक ही बात है माइनस एफ है, तो ये हो गया माइनस एफ। अब यहाँ पर ध्यान देंगे ये आपका माइनस से माइनस कट गया, ये हो जाएगा भी बटा यू, इधर ध्यान देंगे क्या होगा अब आपका माइनस एफ और माइनस माइनस ये प्लस भी अब बटा माइनस एफ, तीसरा तीसरी गुणा कीजिए ये हो जाएगा माइनस भी एफ बराबर, इसमें गुणा कीजिए माइनस यू एफ अब प्लस भी यू, इस तरह से हो गया आपका ये। अब आप क्या कीजिए ये जो है आपका माइनस में है इधर लाइए तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा यू एफ माइनस भी एफ बराबर भी यू, ये हो गया आपको। अब क्या करना है आपको दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, तो देखिए ध्यान दीजिए दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, तो भाग देंगे इसमें देखिए यू एफ बटा भी यू एफ माइनस है तो माइनस, ठीक है भी एफ, भी एफ है उसके बाद तो भी एफ यू भी एफ बराबर भी यू है तो भी यू लिखेंगे, तो भी यू एफ इधर भी लिख देते हैं ताकि आपको सीरियल से दिखाई देगा भी यू एफ, यहाँ पर ध्यान देंगे यू एफ से यू एफ कट गया, यहाँ भी एफ से भी एफ वाला कट गया और भी यू से भी यू आपका कट गया, यहाँ क्या बचा आपका वन बटा भी माइनस वन बटा यू, यहाँ क्या बचा आपका वन बटा एफ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वन बटा एफ बराबर वन बटा भी माइनस वन बटा यू। इस तरह से आपका ये जो है अवतल लेंस में आपका साबित हो गया है, यही लेंस सूत्र आपका होता है, देखिए वन बटा भी माइनस वन बटा यू बराबर वन बटा एफ, इस तरह से ये आपका साबित हो चुका है अवतल लेंस में, ये लेंस सूत्र है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा ये, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।